Wonderful. So you're mean to have an amazing life, don't you? You are mean to have an amazing life. You are mean to have everything you love and desire. Your love, your work is mean to be exciting, and you are mean to accomplish all the things you would love to accomplish. Your relationships with your family and friends are mean to be filled with the happiness. You are mean to have all the money you need to, you know, live a full of life, wonderful life. You are mean to be living your dreams, all of them. If you want to travel, you are mean to travel. If you would love to start a business, you are mean to start business, don't you? आपको नहीं लगता है जो जो भी चीजों की आपको ख्वाहिश है या आप जो जो चीज को चाहते हैं वो सभी के आप अधिकारी है और आपको वो मिलना ही चाहिए, चाहे वो पैसा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, रिलेशनशिप हो, आप कुछ ट्रैवल करना चाहते हो, आप कुछ बनना चाहते हो, आप जीवन में कुछ यू नो कुछ खुशियां हासिल करना चाहते हो, चाहे वो रिश्तों में हो या आपके करियर में हो, आप कुछ भी जो भी कुछ अकम्प्लिश करना चाहते हैं आप एक्चुअली उसके हकदार है. यू आर मीन टू हैव एन अमेजिंग लाइफ, डोंट यू थिंक सो? जस्ट टाइप दैट, आई एम मीन टू हैव एन अमेजिंग लाइफ. आप इसके हकदार है. व्हेन यू वेक अप ईच डे, यू शुड बी फिल्ड विथ एक्साइटमेंट बिकॉज यू नो द डे इज गोइंग टू फुल ऑफ ग्रेट थिंग्स. आप जब सुबह उठते हैं तो एक्साइटमेंट के साथ वो दिन को भर देना चाहिए, बिकॉज आपका जो दिन होता है गोइंग टू बी फुल ऑफ ग्रेट थिंग्स. बहुत सारी ग्रेट थिंग्स आपकी लाइफ में घटने वाली होती है, होने वाली होती है. आप देखते हैं पूरे दिन में, यू नो डे इज लाइक अ रोलर कोस्टर, राइट? लॉट ऑफ थिंग्स वी लर्न. यू नो यू आर मीन टू बी अ लाफिंग, you know, and full of joy. You are meant to feel strong and safe in entire day, whole day. You are meant to feel good about yourself and know you are invaluable. Of course, there will be challenges in your life, and you are meant to have them too because they help you to grow. यू नो तो आपको यहाँ पर आपका दिन की शुरुआत एक्साइटमेंट से करनी चाहिए. आपका दिन यू नो पूरे उत्साह से भर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ग्रेट थिंग्स इन अ डे होती है, होने जाती है, और आप सब कुछ डिजर्व करते हैं. यू नो आप लाफिंग यानी कि खुशियों को डिजर्व करते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को डिजर्व करते हैं, आप सब कुछ ये जो डिजर्व करते हैं, आप जो इनवैल्यूएबल है यानी कि जिसको कहते हैं यू आर अप्लाई प्राइसलेस, यू आर अ यूनिक एंटिटी, ये सब कुछ आपको मिल सकता है. ऑफ कोर्स हो सकता है कि देयर विल बी अ चैलेंजेस, चैलेंजेस भी हो सकती है, और वो भी हमारे अच्छे के लिए होती है कि जहाँ से हम ये चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करके हम इवॉल्व होते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हैं, इवॉल्व होते हैं. तो सो चैलेंजेस भी हमें कहीं ना कहीं कुछ सिखाती है. तो ऑफ कोर्स इवन इन द चैलेंजेस आर कमिंग इन अवर वे, यू नो एवरी डे सपोज, तो दैट इज आल्सो गुड, क्योंकि हम वहां पर भी कुछ नया सीखने के हकदार है. वी मीन टू बी विक्टोरियस फ्रॉम यू नो दैट ऑल चैलेंजेस विच वी कैन यू नो ओवरकम. सो वी आर हियर हाउ टू इवन लर्न हाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑल्सो. So you were not born to struggle, don't you think so? कि आप क्या यहाँ पर सिर्फ स्ट्रगल करने के लिए आए हैं? काफ़ी सारे हमें धर्म में या डिफरेंट डिफरेंट गुरुज या कोई ना कोई तरीके से ये बात किसी ने सिखा दी है कि भाई स्ट्रगल तो पार्ट ऑफ लाइफ है, एंड इट्स अ ब्लेसिंग्स, एंड इट्स यू शुड एक्सेप्ट इट, एंड लाइफ का दूसरा मीनिंग ही स्ट्रगल है. नो नॉट एट ऑल. यू आर नॉट बॉर्न टू स्ट्रगल. यू आर नॉट बॉर्न टू लिव लाइफ वेयर द मोमेंट ऑफ जॉय आर फ्यू एंड फार बिटवीन. यू नो कि जहाँ पर आपकी खुशियाँ बहुत थोड़ी सी है और बहुत दूर, यानी कि एक खुशी और दूसरी खुशी में बहुत अंतर होता है, आप इसके लिए बॉर्न नहीं हुए हैं. यू आर नॉट बॉर्न टू टॉयल इन ऑन योर वर्क 5 days अ वीक विथ फ्लीटिंग मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस ऑन अ वीकेंड. You will not want to live with limited energy, feeling exhausted at the end of each day. You will not want, you know, to worry or be afraid. आप यहाँ पर सिर्फ you are not born to be worried and afraid. आप सिर्फ डर के लिए और चिंता के लिए पैदा नहीं हुए हैं, यानी कि you are not born for that. You are not born for struggle. You are not born for
ऑल स्कैर्सिटी, एंजाइटी, अनहैप्पीनेस एंड स्ट्रगल, कि आप पूरे 5 दिन हफ्ते में काम करें, डे एंड नाइट, एंड ऑफ द डे यू नो एग्जॉस्टेड हो जाए, एंड सिर्फ वीकेंड के वो चंद लम्हों के लिए कि जहाँ पे आपको खुशी मिले इसके लिए आप इंतज़ार करें, और वो चंद लम्हे तो ऐसे ही निकल जाते हैं, डोंट यू थिंक सो? लाइक सपोज दिस वीकेंड इज अप्रोचिंग अस, सो वी आर सो एक्साइटेड कि ओके हमें अब ये 2 days और इवन मंडे इज अ हॉलीडे, डस्टेड हॉलीडे, तो वाओ आई एम गोइंग टू बी यू नो रिलैक्स, आई कैन एंजॉय दिस टाइम विद माई फैमिली एंड लाइक दैट. वी आर नॉट बॉर्न फॉर दैट. एक्चुअली वी आर बॉर्न हियर फॉर वॉट, यू नो कम्प्लीटली हम यहाँ पर बॉर्न किसके लिए है थे? वॉट वुड बी द पॉइंट ऑफ अवर लाइफ? यू आर मीन टू एक्सपीरियंस लाइफ टू इट्स फुलेस्ट एंड हैव एवरीथिंग यू वॉन्ट, एंड एट द सेम टाइम बी फिल्ड विद जॉय, हेल्थ, वाइटालिटी, एक्साइटमेंट एंड लव, बिकॉज दैट इज एन अमेजिंग लाइफ. यू नो हम यहाँ पर लाइफ को पूरी तरीके से जीने के लिए यहाँ पर आए हैं. जो भी हमें चाहिए वो हमें सेम टाइम पर, हम जब पूरी तरीके से फुल्ली जी रहे हैं तब वो हमें सब कुछ उस टाइम पर मिले, और हम हमारी लाइफ को पूरी तरीके से खुशियों से भर दे, संपूर्ण स्वास्थ्य हमें मिले, उत्साह से और प्यार से हम जीवन को अच्छी तरीके से जिए, इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं. क्या आपको लगता है कि दिस इज व्हाट आवर लाइफ पर्पस? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस? जस्ट टाइप दैट यस आई अग्री. हम सिर्फ रोने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, क्राई क्राई करने के लिए यहाँ पर हम नहीं आए हैं. हम लाइफ के जितने भी लक्जरी है, मैंने कहीं पर ये बात को सुना था कि लाइफ ये अर्थ प्लैनेट के ऊपर जो यू नो प्रचुरता है, प्रचुर मात्रा में जो कुछ भी अवेलेबल है, जैसे अच्छा खाना, पहनावा अच्छा, अच्छे लोग, ब्यूटी इन द नेचर, ब्यूटी इन द पर्सन इनसाइड आउट, ये सब कुछ इंजॉय करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं. हम लोग समटाइम्स अच्छा खाना त्याग कर देते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छे रिश्तों से हम खफा हो जाते हैं बिकॉज हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और दैट्स रीज़न हमें अच्छी हेल्थ भी नहीं मिलती है. हम फाइनली कॉस्ट पे करते हैं इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन द फॉर्म ऑफ डिसीजेस. ये सब कुछ हम इसलिए करते हैं बिकॉज हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं. यू आर नॉट हियर फॉर स्ट्रगल, यू आर हियर फॉर हैप्पीनेस, फॉर जॉय, फॉर लव एंड फॉर एक्साइटमेंट. जस्ट टाइप दैट आई एम हियर फॉर लव, जॉय एंड एक्साइटमेंट. आप सभी खुशियों के हकदार हैं. आप जो भी चाहे वो आपको मिल सकता है, और उसी के लिए आप यहाँ पर आए हैं ये अर्थ प्लैनेट के ऊपर. आपको आज पावरफुल द पावर के वर्कशॉप में ये सबसे पहला जो पावरफुल मैसेज है वो आपके दिमाग में आपको स्ट्रांगली बिठा देना है. जस्ट टाइप दैट यस आई गॉट इट. The life of your dreams, everything you would love to be, do or have, has always been closer to you than you know. आपकी life के अंदर के जो सपने हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं और जो भी पाना चाहते हैं, वो सब कुछ आप जो जानते हैं उससे भी और ज़्यादा नज़दीक आप उसको ले सकते हैं. आप लाइफ को जितना जानते हैं उससे ज़्यादा भी आप एक्चुअली लाइफ को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से जी सकते हैं. ये वर्कशॉप आपको ये अपॉर्चुनिटी देगा जहाँ पर आप लाइफ के दूसरे पहलू को जान पाएंगे, आप लाइफ को प्यार करेंगे, यूनिवर्स और ये सारी जो जो यू नो प्रचुर मात्रा में शक्तियाँ अवेलेबल है या अर्थ प्लैनेट में आपके लिए, वो सभी लोगों, सभी शक्तियों को आप जानेंगे, और आप और ज़्यादा यू नो बेहतर तरीके से, पावरफुल तरीके से आप अपनी लाइफ को जी पाएंगे, आप अपनी लाइफ को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे. डियर फ्रेंड्स, ये पर्पस है ये वर्कशॉप का. जो रोंडा बायर ने ये बुक लिखी है, ऑफ कोर्स बहुत ही अमेजिंग सारी बुक्स लिखी है, दिस इज़ वन ऑफ द अमेजिंग बुक फ्रॉम हर, और ये हम अमेजिंग जर्नी यू नो विथ हर ब्लेसिंग्स हम यहाँ पर साथ में शुरू करने जा रहे हैं. जितने लोग आज यहाँ पर रूम में है, कहीं ना कहीं उन्होंने ये वर्कशॉप को अट्रैक्ट किया है और ये रूम में है, तो अगेन आप सबका स्वागत है डियर फ्रेंड्स द पावर के वर्कशॉप में, जो कम्प्लीटली हिंदी में है, और फुल वर्कशॉप में आपको कंडक्ट करवाऊंगी एवरी वीक.
So, love, let the magical feel your life. Let's begin this powerful journey. हम ये यहाँ पर powerful journey को यहाँ प्यार से शुरू करते हैं, जो हमें बहुत बड़ा power का एक पावर हाउस है, वो हमें अनलॉक करके देगा हमारी लाइफ में. वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो, वो हमें टैप करवाएगा वहां पर, ये बुक के जरिए, ये वर्कशॉप के जरिए, ये चैप्टर बाय चैप्टर हम उसमें अंदर एंटर होते चले जाएंगे. डियर फ्रेंड्स, सो व्हाट इज द पावर? चैप्टर नंबर वन, आज का जो चैप्टर है वो ये है, व्हाट इज द पावर? लाइफ इज वेरी सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड, योर लाइफ इज मेड अप ऑफ ओनली टू काइंड्स ऑफ थिंग्स. हम ड्यूअलिटी में जीते हैं हमेशा, या तो हमेशा दिन होता है या रात होता है, सच होता है या झूठ होता है, बुरा होता है या भला होता है, मेल होता है या फीमेल होता है. सो ड्यूअलिटी वर्ल्ड में ही है, पूरा यूनिवर्स ही ये ड्यूअलिटी से ही बना हुआ है. सो यहाँ पर भी लाइफ में भी वही बात को समझना है, वही प्रिंसिपल्स को समझना है. इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट इज पावर इज ऑल अबाउट, देन समझिए सबसे पहले कि what is power, then your life is made up only with the two kinds of things. Life is so simple and made up with the two things, positive things and negative things, because we are living in the duality world and these are the two powers, positive and negative things. So hum isi do mein jeete hai. Each area of your life, whether it's your health, money, relationship, work or happiness, is either positive or negative to you. Ya to वो हमारे पास पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या तो नहीं होगा या तो होगा. कितने लोग ये बात को अग्री करते हैं? यू हैव प्लेंटी ऑफ मनी और यू डोंट हैव मनी, यू आर ब्रीमिंग विद द हेल्थ और यू डोंट हैव अ परफेक्ट हेल्थ, योर रिलेशनशिप्स आर यू नो हैप्पी और डिफिकल्ट, डोंट यू थिंक सो? योर वर्क इज एक्साइटिंग एंड सक्सेसफुल और यू आर डिससेटिस्फाइड एंड अनसक्सेसफुल इन द एरिया ऑफ वर्क. You are filled with happiness or you don't feel good a lot of the time. You have a good years or bad years, good times or bad times, good days or bad days. कितने लोगों को लगता है कि या तो हमारे पास कुछ चीज होती है या नहीं होती है, उसके अलावा कुछ भी लाइफ में नहीं है. वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ ड्यूअलिटी. ड्यूअलिटी यानी दो चीज ही होती है, या तो यस या तो नो. सो या तो पॉजिटिव थिंग्स या तो नेगेटिव थिंग्स. चेक करके देखिए आपके सभी एरिया में क्या यही है जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया है, जो आपने सुना, एंड आप खुद उसके ऊपर थोड़ा विचार कीजिए. यू डू डिजर्व अ लाइफ ओवरफ्लोइंग विद द गुड थिंग्स. हमारे पास ये दोनों चीज होती है, आइधर ऑल यू नो, बट हम डिजर्व क्या करते हैं? ओनली एंड ओनली गुड थिंग्स. जस्ट एट दैट आई डू डिजर्व गुड थिंग्स इन माई लाइफ. और ये जब आप मानना शुरू करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही घटित होना शुरू हो जाएगा. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, विदाउट एक्सेप्शन, यू नो, कोई भी प्रकार के एक्सेप्शन के बगैर हम बात करें तो एवरी पर्सन हु हैज अ ग्रेट लाइफ यूज टू लव टू अचीव इट. यू नो द पावर टू हैव ऑल द पॉजिटिव एंड गुड थिंग्स इन लाइफ इज लव. तो उनकी लाइफ में जो लोग बहुत ही बेहतरीन जीवन जीते हैं, जो उनको जो चाहिए दे लव टू अचीव, वो सब कुछ जो वो अचीव करते हैं, तो उनके पास क्या पावर है? द पावर टू हैव ऑल द पॉजिटिव एंड गुड थिंग्स इन लाइफ इज लव. उनके पास जो पॉजिटिव और गुड थिंग का जो पावर है वो क्या है? लव इज द पावर. सिर्फ प्यार ही एक ऐसा पावर है कि जिसके कारण उनको जो भी चाहिए वो आसानी से अचीव करते हैं और वो सक्सेसफुल होते हैं. जिस सक्सेसफुल लोगों की बात हम करते हैं, जिसको हम रोल मॉडल मानते हैं, वो सभी के पास एक ही पावर है, पॉजिटिव पावर, गुड थिंग्स जिसको हम कह सकते हैं इन देयर लाइफ इज लव. जस्ट सिंपली टाइप लव इन द कॉमेंट बॉक्स डियर फ्रेंड्स, जस्ट सिंपली टाइप लव. अब लव की जब हम बात करें तो लव वो नहीं है जो हम सिर्फ एक ही फ्रेम में समझते हैं. लव की यहाँ पर डेफिनेशन बहुत अलग अलग तरीके से और बहुत डिफरेंट वे से आप ये पूरे एंटायर द पावर के वर्कशॉप में आप समझने वाले हैं. सो व्हाट इज लव? यहाँ पर ये लव की डेफिनेशन
क्या लेखिका कहना चाहती है द फोर्स ऑफ लव के ये टाइटल से समझते हैं. लव इज एन एलिमेंट विच डू फिजिकली अनसीन इज एज रियल एज एयर ऑन और वाटर. इट इज एन एक्टिंग लिविंग मूविंग फोर्स. इट मूव्स इन अ वेव्स एंड करंट्स लाइक द वॉल्स ऑफ द ओशंस. लव एक ऐसी एनर्जी है जो हम देख नहीं पाते हैं. इट इज नॉट इन फिजिकल फॉर्म बट इट्स रियल एज एयर एंड वाटर. जैसे एयर है और वाटर है जितना रियल है और उसके माध्यम से हम जी पाते हैं. कैन यू इमेजिन योर लाइफ इवन विदाउट एयर एंड वाटर? नो. सो सेम इट इज नॉट पॉसिबल. यू कैन नॉट लिव विदाउट लव. आप क्या लव के बगैर एक दिन के लिए भी जी पाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल. लव इज नॉट जस्ट ऑफ फीलिंग्स. लव इज अ पॉजिटिव फोर्स. जस्ट टाइप दैट. लव इज अ पॉजिटिव फोर्स. व्हाट इज लव? लव की डेफिनेशन को आज हम बहुत ही डिफरेंट तरीके से यहाँ पर समझेंगे. लव इज व्हाट? लव इज अ पॉजिटिव फोर्स. लव इज नॉट वीक, फीबल और सॉफ्ट. लव इज द पॉजिटिव फोर्स ऑफ लाइफ. लव इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग पॉजिटिव एंड गुड. देर आर नॉट 100 डिफरेंट पॉजिटिव फोर्सेस इन लाइफ. देर इज ओनली वन फोर्स एंड दैट इज लव. हमें पॉजिटिव कोई हजारों और लाखों पॉजिटिव फोर्स की जरूरत नहीं है. एक ही पॉजिटिव फोर्स है और वो है लव. लव प्यार, वही एक ऐसा पावरफुल 100 टाइम्स पावरफुल पॉजिटिव फोर्स है कि जहाँ से हम जो भी कुछ चाहे हासिल कर सकते हैं. द मैजिक के वर्कशॉप में हमने पावरफुल टूल को एक्सपीरियंस किया और वो है ग्रैटिट्यूड. और यहाँ पर आपको पावरफुल खुद बनना है. जहाँ से ऐसे पावरफुल टूल का इस्तेमाल आप कर सके तो आपको जो पावर है लव का उसको आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा. डियर फ्रेंड्स, यू नो नेचर्स ग्रेट पावर लाइक अ ग्रेविटी, यू नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आर इनविजिबल टू अवर सेंसेस बट दैट पावर इज इनडिस्प्यूटेबल. डोंट यू थिंक कि हम जो ग्रेविटेशनल पावर हम देखते हैं, ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिज्म का पावर, वो इनविजिबल है बट अनडिस्प्यूटेबल. हम इसको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. लाइकवाइज द फोर्स ऑफ लव इज इनविजिबल टू अस. हमारा जो लव का जो फोर्स है वो इनविजिबल है बट इट्स पावर, यू नो, बट इट इज अ पावर इन फैक्ट फार ग्रेटर देन एनी ऑफ नेचर्स पावर. ये लव का भी वैसा ही पावर है जैसा हमने ये ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पावर जो हमने देखा नहीं है महसूस करते हैं, वैसे ही है ये नेचर का पावर. द फोर्स ऑफ लव, द एविडेंस ऑफ इट्स पावर कैन बी सीन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. विदाउट लव देर इज नो लाइफ. Without love, there is no life. Take a moment to think about it. What would the world be without love? एक थोड़ी देर के लिए सोचिए, प्यार के बगैर जिंदगी कैसी हो सकती है? First of all, you would not even exist without love. Don't you think so? हम प्यार के बगैर ये दुनिया में हमारा खुद का भी अस्तित्व नहीं हो सकता था. You know, love, you could not have been born. None of your family and friends would have been born either. ना तो आपके फैमिली और आपके जो फ्रेंड्स है वो भी बॉर्न नहीं हो सकते. विदाउट लव नहीं हो पाते. इन फैक्ट देर वुड बी, यू नो, देर वुड बी अ सिंगल ह्यूमन बींग ऑन द प्लैनेट. देर वुड नॉट बी अ सिंगल ह्यूमन बींग ऑन द प्लैनेट, यू नो, कैन नॉट बॉर्न विदाउट लव. इन द फोर्स ऑफ लव सीज्ड टूडे द एंटायर ह्यूमन रेस वुड डिक्रीज एंड इवेंचुअली डाई आउट. मान के चलो हम ये लव के पावर को सीज कर देते हैं ये अर्थ प्लैनेट के ऊपर, तो इवेंचुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो, यू नो, पूरा ह्यूमैनिटी है या ओवरऑल जो नहीं अर्थ प्लैनेट के ऊपर जो जो जीवन है वो, यू नो, डाई आउट होना शुरू हो जाएगा, यानी मरना शुरू हो जाएगा. लव इज द फोर्स. लव इज द फोर्स दैट मूव्स यू. Love is the force that moves you. Everything you want to be, do or have comes from love. आपको जो भी चाहिए, आपको जो भी बनना है या आप जो भी करना चाहते हैं वो सब कुछ प्रेम के फोर्स से ही आता है. Without love, you would not move even. प्रेम के बगैर आप मूव भी नहीं कर पाते हैं, मूव आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं. There would be no positive force to
propel you to get up in the morning to work, play, dance, talk, learn, listen to music or do anything at all. You would be like a stone statue. जब प्रेम का फोर्स नहीं है तो सुबह उठ के हमें कोई ऐसा एक्साइटमेंट नहीं रहता है, कोई ऐसा प्रोत्साहन नहीं रहता है कि जिसके लिए हम डांस करें, कुछ प्ले करें, कुछ खाए, कुछ काम करें, कुछ पहनावा पहने, कुछ म्यूजिक सुने या कुछ भी करने का मन नहीं होता है. इफ लव इज नॉट वो घटित हो रही है, लेकिन ने आज तक इतना गहराई से ये बात को समझा नहीं है. सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट लव. इट इज अ पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव दैट इंस्पायर्स यू टू मूव एंड गिव्स यू द डिजायर टू बी डू और हैव एनीथिंग. ये एक ऐसा पॉजिटिव फोर्स है, लव का जो पॉजिटिव फोर्स है जो आपको इंस्पायर करता है, जो भी आपको चाहिए, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं वो देने के लिए आपको इंस्पायर करता है, वो देता है. द पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव कैन क्रिएट एनीथिंग गुड. पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव कुछ भी यू नो गुड क्रिएट करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज द गुड थिंग्स, अच्छी बातों को इंक्रीज करता है एंड चेंज एनीथिंग नेगेटिव इनटू योर लाइफ. और जो भी नेगेटिव है आपकी लाइफ में से उसको चेंज करता है. यू हैव द पावर ओवर योर हेल्थ, योर वेल्थ, योर करियर, योर रिलेशनशिप एंड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ. आपके पास ये सारे एरिया के लिए पावर है और वो पावर है फोर्स ऑफ लव. यू नो जो पावर है आपका लव का, उससे आप ये सब कुछ बदल सकते हैं. एंड दैट पावर लव इज इनसाइड यू. और ये जो पावर है वो क्या है, लव जो आपके ही अंदर है. वी आर फाइंडिंग लव आउटसाइड द वर्ल्ड. हम प्रेम को बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, बट क्या प्रेम बाहर की दुनिया में मिलता है? और मिलता है तो कब मिलता है? माई क्वेश्चन इज टू यू, Why? कब मिलता है? When? जब आप अपने आप को प्यार करते हैं. तो पावर कहां पर है? लव में. और लव कहां पे है? That is inside you. तो where is the power? Power is inside you in the form of love. Where is the power? Power is inside you in the form of love. But if you have the power over your life and that power is inside you, why isn't your life amazing? Why isn't every area of your life magnificent? Why don't you have everything you want? Why haven't you been able to do everything you want to do? Why aren't you filled with joy every day? जब हमारे पास हमारे जीवन का पावर है, हम खुद हमारे जीवन को खुशी से भर सकते हैं, पावर ओवर अवर लाइफ, देन क्या ऐसा हो जाता है जब पावर हमारे खुद के अंदर है तो ऐसा क्यों हो जाता है कि हम सभी लोग अमेजिंग लाइफ नहीं जी सकते, हमारे सभी एरिया मैग्निफिशेंटली वर्क नहीं कर पाते हैं, हमें जो चाहिए हमें वो नहीं मिलता है, हम जो बनना चाहते हैं वो हम नहीं बन पाते हैं, और हमारी लाइफ खुशियों से क्यों नहीं भर जाती है? ये आंसर, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है. और उसका आंसर ये है, We have always choice. Just type that. We have always choice. You have a choice whether to love and harm. You know, harmness is the positive force. हमारे पास हमेशा choice है कि हम प्रेम करें. You know, whether we love, हम प्रेम करें हर बातों को, हर हमारे जीवन को, और उसको positive force से harness करें, harness of the positive force, or not. या तो हम प्रेम करें और उसको हार्नेस करें हमारी लाइफ को, और ना करें. ये चॉइस हमेशा हमारे पास होती है. वी हैव ऑलवेज टू चॉइस वेदर यू रियलाइज इट और नॉट. एवरी डे ऑफ योर लाइफ आप रियलाइज करते हैं या नहीं करते हैं, हर एक लाइफ, हर एक दिन में लाइफ के अंदर, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, हर एक मोमेंट में आपकी लाइफ में यू हैव बीन मेकिंग दिस चॉइसेस. ये सारी चॉइसेस आपको पूरे दिन में मिलती ही रहती है और आप उसको बनाते रहते हैं. यू आर इवन मेकिंग द चॉइसेस, इवन यू डोंट नो, अनोइंगली आप ये चॉइसेस बनाते
रहते हैं. समटाइम्स यू चूज लव, समटाइम्स यू डोंट चूज लव, यू नो, विदाउट एक्सेप्शनल. एवरी सिंगल टाइम यू एक्सपीरियंस समथिंग गुड इन योर लाइफ, यू लव्ड एंड हार्नेस्ड लव्स पॉजिटिव फोर्स, और यू डोंट चूज लव एंड यू डोंट चूज टू हार्नेस लव इन योर लाइफ. डोंट यू थिंक हमारे साथ कोई ना कोई घटनाएं घटती है, तो या तो हम चॉइस लेते हैं उसको, यू नो, चूज करते हैं और लव को हार्नेस करते हैं, ब्राइट साइड को देखते हैं, हर एक चीजों को और लोगों को प्यार देते हैं, प्यार बांटते हैं, या तो हम नहीं करते हैं. सो दिस इज वॉट वी हैव ऑलवेज चॉइस एंड वी चूज एवरी मोमेंट एवरी डे इन अवर लाइफ. And every single time you experience something not good, you did not love, and the result was negative. Or sometimes क्या होता है? Every single time you experience something not good, आपको कुछ अच्छा feel नहीं होता है, वैसा भी आपके साथ होता है, और you did not love, जो आपको नहीं पसंद है. And the result was negative, और result उससे negative आता है. Love is the cause of all the good things in your life, and the lack of love is the cause of all the negative things and all the pain and suffering. कितने लोग ये बात को agree करते हैं? Love is the cause for every good things and positive things in your life. And lack of love, you know, every negative things and pain and suffering in our life. That's it. यही simple सा fundamental है. So if you feel powerful, you feel like a, you are a powerful, you feel like a, you are performing powerfully in your life in every area, that means love is exist inside you. And that channel is activated anyway, knowingly, unknowingly. But if you feel low, that means this channel is not activated. There is something locked, there is something lacking, you know, lack of love. You know, you would get the negative results in every areas of your life. So check, abhi aapke sare area mein kya hai? Maybe ho sakta hai certain area is working and certain area is not working. So if you have negative results in your life, means if you have suffering and pain in certain areas, means there is, you know, love is missing. Lack of love in that particular area, you are suffering. Love is the most, you know, a fantastic tool. You can use it immediately. You can replace it, this love, in negative energy, and you can change your life, dear friends. The law of love ko samajhte hai. The universe is governed by natural laws. We can fly the aeroplane because aviation works in a harmony with the natural laws. The laws of physics did not change for us to be able to fly, but we found a way to work in accordance with the natural laws, and by doing so we can fly. Hum kya karte hain? Law of love ko samajhte hain. Universe kya karta hai? Govern karta hai nature ke law ko. We can fly. Hum fly kar sakte hain aeroplane se, because aviation works in a harmony with natural laws. Kyunki aviation ये हार्मनी में नेचर के लॉ के साथ हार्मनी में वर्क करता है. क्या है? फिजिक्स का जो लॉ है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बट उसके साथ हमने क्या किया, वी आर एबल टू फाइंड आउट द वे कि जहां से हम फ्लाई कर पाए, हम फिजिक्स के लॉ को समझते हुए क्या किया, हमने फिजिक्स के लॉ को समझा और हमने वैसे सॉल्यूशन बनाए हैं. व्हाट वी अंडरस्टूड, लाइक वी अंडरस्टूड इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटी एंड ऑल दिस लॉज ऑफ फिजिक्स, एंड व्हाट वी आर एबल टू डू नाउ, वी आर एबल टू फ्लाई. वी कैन ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर कंट्री जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. वी फाउंड द वे, फिजिक्स लॉज अंडरस्टूड, एंड नाउ वी आर एबल टू फ्लाई. एंड दिस फिजिक्स लॉ क्या करता है? हार्मनी में है लॉ ऑफ नेचर के. वॉट इज द लॉ ऑफ लव? लॉ ऑफ लव भी क्या है? वो भी एक पार्ट ऑफ लॉ ऑफ नेचर है. यू नो, हमें यहाँ पर क्या करना है, ये लॉ को समझना है. टू हार्नेस द पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव एंड चेंज योर लाइफ, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट्स लॉज. The most powerful law in the universe, the law of attraction. Or the law of love kya hai? Aur wo hai law of attraction. Aapko isko samajhna hai. Ye jo positive force hai love ka, jo hamari puri life ko change kar sakta hai, usko samajhne ke liye aapko yahan par samajhna hai law of attraction ko. So from the greatest to the smallest, the law of attraction is
what holds every star in the universe and forms every atom and molecules. The force of attraction of the sun holds the planet, you know, in our solar system, keeping them from, you know, hurtling into space. The force of attraction in gravity holds you and every person, animal, plant, and mineral on our earth. The force of attraction can be seen in all of nature, from a flower attracting bees or seed attracting nourishment from the soil, to every living creature being attracted to its own space. तो हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, द फोर्स ऑफ पावर, द फोर्स दैट ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, हर जगह पे छोटे से मोटे पूरे यूनिवर्स में ये जो फोर्स है, पावर का जो फोर्स है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन का फोर्स है, वो अट्रैक्शन का फोर्स हमें हर जगह पर देखने को मिलता है, चाहे वो हमारे जीवन में हो, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर हो, ये सोलार सिस्टम के अंदर हो, हर एक जगह पर हमें ये फोर्स देखने को मिलता है. इवन इन द ह्यूमन लाइफ हमें ये फोर्स, अट्रैक्शन इन द फोर्स दैट ड्रॉज इवन द पीपल टू अदर पीपल, एक पर्सन से दूसरे पीपल में भी अट्रैक्शन इज द फोर्स, वो हमें देखने को मिलता है. एंड दैट्स रीजन, यू नो, हम लोग हमेशा इंस्पायर होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन ऑफ द यू नो द पावर ऑफ लव. और अट्रैक्शन इज द फोर्स कि जिसके कारण हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए एक शहर बनाते हैं, एक नेशन बनाते हैं, बिकॉज ऑफ द लव, बिकॉज ऑफ दिस पावर ऑफ अट्रैक्शन हम ये सब कुछ काम करते हैं. हम लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप बनाते हैं, क्लब बनाते हैं, लोगों को मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, कॉमन इंटरेस्ट को एंटरटेन करते हैं, वैसे लोगों को कॉन्टैक्ट करते हैं, कोई साइंस में रिसर्च करता है और वैसे लोगों को मिलता है, कोई कुकिंग में इंटरेस्ट रखता है और लाइक माइंडेड लोगों को कॉन्टैक्ट करता है और अपनी कम्युनिटी बनाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन इज द फोर्स दैट ड्रॉज ऑल दिस थिंग्स. You know, it was a people to various sports, all the different styles of music, to certain animals and pets. Attraction is the force. Attraction ek aisa force hai that draws you to your favorite things and places. And it's the force that draws you to your friend and the people you love. To ye jo attraction is the force hai, jo power, law of attraction hai. Attraction is the force. कि जहां से हमारी पूरी इन शॉर्ट सृष्टि बनती है, पावरफुल जो कोई लॉ है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. और ये समझने के लिए हमें लॉ ऑफ नेचर को समझना है. और लॉ ऑफ नेचर क्या है, सिंपल भाषा में कहे तो वो है लव. लव से हम सब कुछ अट्रैक्ट करते हैं. लव इज द प्राइमरी की, इट्स लाइक अ सॉल्ट इन द डिश. लव नहीं है, यू कांट इवन अट्रैक्ट वॉट यू want. So, जो भी आपको चाहिए वो आप तभी attract करते हैं जब आप उस वो चीज को पसंद करते हैं. Example, the attractive force of love क्या है. So, यहाँ पर example की तरह हम समझते हैं. Suppose आपको कोई food पसंद है. Let us understand. So, what is the force of attraction? The force of attraction is that force of love. Attraction is love. See, आपको क्लियर क्या करना है, अट्रैक्शन इज लव, लव इज अट्रैक्शन. जस्ट टाइप दैट, अट्रैक्शन इज लव, लव इज अट्रैक्शन. व्हेन यू फील एंड अट्रैक्ट टू योर फेवरेट फूड, यू नो, आप सपोज कुछ फील करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं आपके फेवरेट फूड को, दैट मीन्स यू लव दैट फूड. I'm sure you got that. I'm again repeating this. When you feel an attraction, attract to your favorite food, you're feeling love for that food. Don't you think so? आपको favorite food आपका कौन सा है? Suppose pizza or burger or maybe anything, you know, any sweet dish. So, जब आप उसको feel करते हैं और attract करते हैं, that means you love that food. Don't you think so? जो आज तक हमने कभी नहीं देखा, समझा है. Without attraction, you would not feel anything. Attraction के बगैर आप कुछ भी feel नहीं कर पाते हैं. All food would be the same to you. You would not know what you love or what you don't love because you would not be attracted to anything. You would not be attracted to another person, a particular city, house, car, sport, job, music, clothes, or anything because it's through the force of attraction
दैट यू फील लव्ड. सो सिंपल यहाँ पर मैं जो बताना चाहती हूँ वही है कि आप द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द फोर्स ऑफ लव. अट्रैक्शन इज लव, आकर्षण ही प्रेम है. आप जो जो चीज आकर्षित करते हैं वो कहीं ना कहीं उसके बेस में प्रेम पड़ा है. आप इफ यू डोंट लाइक और लव द पर्टिकुलर थिंग्स यू कैन नॉट अट्रैक्ट. सो अट्रैक्शन इज लव, लव इज अट्रैक्शन. इन शॉर्ट समझना है तो आपके जीवन में अभी जो जो भी कुछ अवेलेबल है वो आपने कहीं ना कहीं उसको चाहा है. यू लव्ड दैट, चाहे वो पीपल हो, प्लेस हो, सर्कमस्टेंसेस हो. फूड वो एक एग्जाम्पल था बट आपको समझने के लिए यहाँ पर है. इवन आपकी नॉन फेवरेबल सिचुएशन को भी आपने ही अट्रैक्ट किया है बिकॉज यू लव्ड इट एनी वे. इनडायरेक्टली आपका ध्यान वहां पर गया है और आपने अट्रैक्ट किया है. रिमेंबर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो लॉ है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. एक समान चीजों को आकर्षित करती है. आपने एडवर्स सिचुएशन को भी कहीं ना कहीं वहां पर ध्यान केंद्रित किया है और आकर्षित किया है. एग्जाम्पल, आपने नॉन फेवरेबल सिचुएशन को, पेन को और सफरिंग को कैसे आकर्षित किया है, क्योंकि आप तो मानेंगे नहीं कि नो आई डोंट लव दैट, आई कैन नॉट अट्रैक्ट एडवर्स सिचुएशन, पीपल, प्लेसेस इन माई लाइफ. फिर भी वो कैसे आई? तो सपोज किसी का बुरा हो रहा है तो आपने वो चीज़ को एंजॉय किया है, उसके बारे में सोचा है या किसी से बातें करी है या ज़्यादातर वहाँ पर ध्यान लगाया है. दैट मीन्स यूनिवर्स अंडरस्टैंड दैट यू लव्ड दैट, लव्ड दिस, एंड दैट्स व्हाई वो आपको सर्व करता है. बिकॉज वॉट एवर यू आर थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट यू विल बी सर्व्ड. आपको वो मिलता ही है एंड दैट्स अ रीज़न वो मिलता है. सो यहाँ पर समझने की बात ये है कि वॉट इज़ द attractive force of love. So what is the force of attraction? There is nothing but the force of attraction is nothing but the love. Attraction is love, love is attractions, and jo bhi aapko pasand hota hai wo aap attract karte hai, right? So yahan par aapko simply samajhna kya hai, the law of attraction, all the love, you know, love is attraction and attraction is love. That's it. Itna hi samajhna hai. They are, you know, both are the same. दोनों एक ही बात है. इन द यूनिवर्सल टर्म्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. व्हाट दैट मींस इन सिंपल टर्म्स फॉर योर लाइफ इज व्हाट यू गिव आउट यू रिसीव बैक. वेदर यू गिव आउट इन लाइफ यू नो इज व्हाट यू रिसीव बैक इन लाइफ. वेदर यू गिव बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एग्जैक्टली व्हाट यू अट्रैक्ट बैक टू योर सेल्फ. क्या है यूनिवर्स के टर्म्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. आप सिंपल टर्म्स में कहे तो जो भी आप लाइफ में देते हैं बाहर वही आपको मिलता है. आपने डायरेक्टली एडवर्स सिचुएशंस को अट्रैक्ट नहीं किया है लेकिन किसी का बुरा हो रहा है और आप वहां खुश है या उसकी बातें किसी और को बता रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं. दैट मीन्स यू आर गिविंग आउट दिस एडवर्स सिचुएशंस इन योर लाइफ, इन योर ऑरा, इन योर एनर्जी ऑरा, तो आप वही वापस आपको मिलता है. इन शॉर्ट, आपको जो आप बाहर देते हैं वही आपको मिलता है और जो आपके अंदर है वही बाहर आपको मिलता है. सो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम समझते ही है बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का जो आज हम इन डेप्थ जो डाइव कर रहे हैं और समझ रहे हैं वो है लव. इसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है क्योंकि आपने अट्रैक्ट कब किया, आपका ध्यान कब जाता है, बिकॉज आपको वो पसंद है. यू लव दैट एंड दैट्स व्हाई यू आर अट्रैक्टिंग. हम कहते हैं ना कि आई वांट दिस कार, आई वांट दिस काइंड ऑफ हाउस. दैट मीन्स आई लव दिस हाउस, आई लव दिस काइंड ऑफ कार, आई लव दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस. तो दैट्स द रीजन यहाँ पर अट्रैक्शन इज लव एंड लव इज अट्रैक्शन, ये दोनों को बहुत अच्छी तरीके से कोरिलेट किया है और ये साइंस को शायद आज तक हमने कभी समझा ही नहीं है. गिव पॉजिटिविटी, यू नो पॉजिटिविटी इन द वर्ल्ड. आप वर्ल्ड में पॉजिटिविटी दीजिए और वो आपको वापस पॉजिटिविटी मिलेगी. आप नेगेटिविटी वर्ल्ड में देंगे,
आपको नेगेटिविटी ही वापस मिलेगी, या तो आपका ध्यान नेगेटिव बातों में, लोगों में, पीपल में, सिचुएशन में जाता है, ओवर थिंक करते हैं, नेगेटिव एक घटना हो गई उसमें ज़्यादा आप रहते हैं वो नेगेटिव डोमेन में, तो आपको वो नेगेटिविटी ही मिलने वाली है। ये बात हम सब लोग जानते हैं, यू नो, और ये हम चाहे तो ये चीज़ों को हम आसानी से बदल सकते हैं, क्योंकि हम जब नेगेटिव बातों को ध्यान में रख, यू नो, नेगेटिव बातों के ऊपर ध्यान देते हैं या पॉजिटिव बातों के ऊपर ध्यान देते हैं या पॉजिटिव बातें करते हैं या पॉजिटिव बातों के ऊपर ध्यान देते हैं, तो ये आती कहाँ से है, ये सब कुछ कहाँ से आता है? या तो पॉजिटिव थिंग्स एंड और नेगेटिव थिंग्स एंड सिचुएशंस, वो सब कुछ आता है हमारे थॉट्स से एंड फीलिंग्स से। और जब थॉट्स से एंड फीलिंग्स से हमारे लाइफ में नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें, सर्कमस्टेंसेस आते हैं, तो ये थॉट्स एंड फीलिंग्स को, गुड न्यूज़ ये है कि बहुत आसान तरीके से हम सब लोग बदल सकते हैं। कितने लोग ये बात को समझते हैं कि हम हमारे नेगेटिव थॉट्स को और पॉजिटिव थॉट्स को और पावरफुल बना सकते हैं और नेगेटिव थॉट्स को हम बदल सकते हैं? जस्ट एट दैट आई अग्री। आप सभी लोगों ने देखा होगा, जभी भी हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हम चाहे तो अवेयर होके तुरंत ही इसको रिप्लेस करके बदल सकते हैं। इन दिस मोमेंट इफ यू थिंक, इफ यू डिसाइड, यू कैन चेंज योर नेगेटिव थॉट्स इनटू द, यू नो, पॉजिटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में आसानी से आप बदल सकते हैं, और इसी तरीके से आप अपने सर्कमस्टेंसेस को और लोगों को भी बदल सकते हैं। बट उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? यू आर गोइंग टू बिकम, आपको मैग्नेट बनना पड़ेगा एक पॉजिटिव थॉट्स का। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर वैसी ही बातों को सोचना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा जो आपको चाहिए। जब तक आपको जो आप पसंद करते हैं, जो आपको चाहिए, व्हाट यू लव टू डू, व्हाट यू लव टू बी, व्हाट यू लव टू हैव, वो सारी बातों के ऊपर ही जब आप ध्यान रखना शुरू करेंगे, तब आपको जो जो चाहिए आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और जो आपको नहीं चाहिए वो अपने आप उसको वैनिश करेंगे, यानी एलिमिनेट करना शुरू करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी लाइफ की मैं बात करूं तो मेरा ये वीक पॉइंट था, वीकनेसेस थी, जो मुझे भी ये लर्निंग जर्नी में समझ में आई, एंड शायद हो सकता है आपको समझ में आई हो या आज से आना शुरू होगी, कि मैं हमेशा कहती थी कि आई, यू नो, हमेशा मैं ऐसा ही बोलती थी, सोचती थी और करती थी जो मुझे नहीं चाहिए, वैसा एक्सपेक्ट करते हुए कि मुझे जो चाहिए मिल जाएगा। एग्जाम्पल, पीपल डोंट लव मी, पीपल डोंट अंडरस्टैंड मी, आई ऑलवेज यूज टू से एक्सपेक्टिंग दैट पीपल स्टार्ट लविंग मी, पीपल वुड स्टार्ट एक्सेप्टिंग मी। वो कभी नहीं होगा। व्हेन आई से पीपल डोंट लव मी, दैट मीन्स ऑफकोर्स पीपल, ऑफकोर्स दे वुड नॉट लव मी, वो मुझे और ज़्यादा हेट करेंगे या एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज मैं वही बोलती थी। सो व्हाट इज द इनविटेशन ओवर हियर इज, यू शुड बी अ मैग्नेट ऑफ लव, यू शुड थिंक, स्पीक एंड डू एंड गिव द अटेंशन वेयर यू वांट, व्हाट यू वांट, जो आपको चाहिए, जहां पर भी आपको जाना है, वेयर यू वांट टू गो, तभी जाके आपको जो भी चाहिए आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दिस वे यू आर अट्रैक्टिंग द पॉजिटिव पावर इन योर लाइफ, दिस इज द वे यू आर अट्रैक्टिंग द पॉजिटिव पावर। जितना पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, तो जस्ट इमेजिन ये आप केज में है, पिंजरे में जो एक पैरोट होता है, और वो जितना नेगेटिव बोलता चला जाता है, एक और अपना पिंजरा और टाइट करता चला जाता है। बट जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे और अच्छा महसूस करेंगे, उतनी वो केज को, जो नेगेटिविटी का कहीं ना कहीं बना हुआ है, वी आर गिफ्टेड ऑल द डे, पीपल आर ऑल्सो गिविंग लॉट ऑफ नेगेटिव न्यूज एंड नेगेटिविटी, यू नो, बिकॉज दे ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम, दे डोंट नो द साइंस, बट नाउ वी आर लर्निंग। और आप जितना अवेयर होके वो डिनाई करेंगे नेगेटिविटी को, अवेयर होके आप पॉजिटिव थॉट्स में ही रहेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे नेगेटिव थॉट्स को, जैसे ही अवेयर हो जाए, आप केज को ब्रेक कर सकते हैं और आपको फ्रीडम का एक्सपीरियंस हो सकता है। कितने लोगों को यहाँ पर फ्रीडम का एक्सपीरियंस करना है, फ्रीडम का एक्सपीरियंस करना है, तो टॉक, यू नो,
वॉट यू लव, जो आपको चाहिए उसी के बारे में बात करना शुरू करें. पीपल हु हैव ग्रेट लाइव, यू नो, दे ऑलवेज टॉक, दे लव वॉट दे लव. जो हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं जो उनको पसंद है, जो उनको पढ़ना करना पसंद है, जो उनको बनना पसंद है, और अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल बन जाते हैं. वो कभी भी वैसी नेगेटिव बातों के ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं, एंटरटेन भी नहीं करते हैं, और उसके बारे में सोचते भी नहीं है. तो आपको भी अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, आपको ये केज में से निकलना है, पिंजरे में से जो हमने कहीं ना कहीं अननोइंगली बनाया हुआ है उसमें से आपको बाहर निकलना है. तो आपको भी वही करना पड़ेगा जो लॉ ऑफ नेचर कहता है, जो लॉ ऑफ यूनिवर्स हमें सिखाना चाहता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखाना चाहता है. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग आपकी लाइफ को बना सकते हैं डियर फ्रेंड्स. सो यहाँ पर ये पॉइंट के ऊपर आपको एम्फसाइज करते हुए एक ही बात बताई है, आपका जीवन आपके हाथ में है. वी हैव ऑलवेज अ चॉइस. वी लीव इन द ड्यूअलिटी वर्ल्ड, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव. आपके पास हमेशा चॉइस रहेगी कि आप क्या हार्नेस करना चाहते हैं, लव को या तो कंप्लेन को, एंग्जाइटी को और फियर को. आप चॉइस करें लव को. लव यानी खुशी, जॉय. आप अच्छे जीवन के हकदार हैं. आपके मन में कोई विचार आ रहा है, इसका मतलब आप उसके हकदार हैं. क्यों आपको सारे विचार नहीं आ रहे हैं? दुनिया में तो बहुत कुछ है, बट आपके मन में जो जो विचार आ रहे हैं, जो जो आपके मन में ख्वाहिश है, हो सकता है आपको $1,000 कमाने की ख्वाहिश हो या $1,000,000 कमाने की ख्वाहिश हो, जो भी हो, आपको फरारी कार लेने की ख्वाहिश हो, व्हाटएवर आपके मन में आ रहा है, मींस यू डिजर्व दैट. बट जब आपके मन में ऐसी सोच आती है, जब ऐसा आप सोचते हैं, तब आप खुद अपने आप को इमीडिएटली क्रिटिसाइज करते हैं. कम ऑन, फरारी कार नॉट पॉसिबल. हाँ ठीक है, सब लोग फरारी कार का बोलते हैं, ड्रीम में, गोल स्टेटमेंट में लिखते हैं, तो मैंने भी लिख दिया, बट आई नो आई डोंट डिजर्व इट. नो, एक्चुअली यू डिजर्व एवरीथिंग व्हाट यू Even think, you are able to think, you deserve that. Provided आप क्या harness करते हैं, love को, happiness को, joy को, then आपको of course वो मिलेगा dear friends. So आज के topic में इतना ही. There are the points जो quickly हम check कर सकते हैं कि what we have learned today. ये नोट्स मैं बनाती हूँ, इसके पॉइंटर्स भी होते हैं. ऑफ कोर्स इफ यू हैव बुक यू कैन रीड, यू कैन री रीड, बट इफ यू डोंट हैव बुक, और इवन इफ यू हैव बुक बट यू आर लेजी, यू नो, लेजी मींस इट्स बोरिंग ऑलमोस्ट द टाइम की पढ़ो, अगेन एंड अगेन पढ़ो, देन आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट्स फॉर दिस लेसन वन एंड एवरी लेसन. आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द इवन ऑफ कोर्स नोट्स. सो इफ यू वॉन्ट, यू कैन सब्सक्राइब माई मंथली सब्सक्रिप्शन and you can access, or of course all the time you can see the video and you can even learn from that dear friends. So aaj aapka takeaway kya hai, aapne surely note down kiya hai, aur yahan par aap hand raise karte hue aaj ka takeaway aap jo samjhe hai, jo aap leke jayenge, aapke dimag mein register kar rahe hai, aap share kar sakte hai, ya to aapko koi question hai. So, आप यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं डियर फ्रेंड्स. राइट, आई एम श्योर यू आर लर्न अ लॉट एंड दिस इज जस्ट बिगिनिंग. इन द सेम सब्जेक्ट यू विल लर्न अ लॉट, यू विल एक्सप्लोर मोर, यू नो, चैप्टर बाय चैप्टर. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और ऑफ कोर्स यू हैव लर्न, देन यू कैन रेज हैंड एंड यू, इफ यू वॉन्ट टू शेयर योर टेक अवे फ्रॉम टूडेज क्लास, you can share. Yeah, Ganesh, thank you so much. So yeah, amazing. So now if you haven't filled this form yet, aapne abhi bhi form nahi bhara hai, so please fill the form, aaj hi form bhar dijiye, Google form, aur hum immediately aapko inner growth mastery ki workbook aapko email karenge. एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से जुड़ जाइए. एंड वॉट इज योर टेक अवे, वन टेक अवे एटलीस्ट यू कैन शेयर वो हियर इन द कॉमेंट बॉक्स ऑल्सो. यू कैन टेक अवे, ओके, आई लर्न दैट जो भी हो रहा है वो हम ही अट्रैक्ट करते हैं. रोजीना सेड दैट वी आर ग्लास फिल्ड ऑफ लव, ओके,
We have always the power to shift from negativity to positivity. Perfect. Thank you. Great, Rosina. Wonderful. So love is attraction. Attraction is love. Love is the beautiful energy. You know, it is unseen, but it's a truth of our life. So choose love. Harness love in your life. Love, you can take it in a other way, in the simple way, if you want to, if I want to convey to you, is that see the bright side. See the bright side of the every situations, and you can attract more bright side, more positivity in your life, more positive people, supportive people and circumstances and situations and places in your life. So we have a choice. What do you choose every day? Every moment, that's very important. तो आपको ये देखना है कि मैं every moment, every day क्या choose करता हूँ. Do you know what is my life purpose and why I am you know, so always excited, ready, and always teach this very precious knowledge to the people, offering my time and giving all these things because this is my kick start statement, जो मुझे kick देता है, push देता है. I choose to share my love, wisdom and compassion to humanity. So dear friends, love is in the first, you know, मेरी जो तीन words है, what I have choose for humanity और वो है love. If you choose love in the world, for the people, for your life, then of course you will get back the same, dear friends. So this is what I want to give it to you as a, you know, as a summary. जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है.